हेलो हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो आज की व्लॉगिंग हो रही है शाम के टाइम से, तो मैंने पहले सोचा कि मैं एक्वेरियम नीचे शिफ्ट करती हूँ, फिर मैंने देखा भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं मिस्टर जी को ऑर्डर दे दूँगी। और यहाँ पे मैं आ चुकी थी बाहर, तो यहाँ पे मैंने देखा दादी खेत में काम कर रही, मतलब पेड़ वगैरह छाट रही खेत बनाने के लिए। यहाँ पर हमें बोना है जानवरों के लिए चारा, तो दादी आज सुबह से ही खेत में लगी थी, मतलब अभी शाम हो गई है धूप में, तो हम घर पे ला लेते दादी को। तो मुझे ना खेत का इतना ज़्यादा काम आता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत किचन गार्डन में कर लेती हूँ, तो खेत का काम मम्मी और दादी ही करते हैं। बहुत मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं कभी गई कुछ करने या कुछ लेने, ये तो नहीं जाती हूँ। और ये लोग भर रहे हैं यहाँ पे देखो पानी, क्योंकि आ जाया शाम को पानी। ये है हमारे पड़ोसी जो कि हमारे ही रेंटेड हाउस में रहते हैं, मतलब ये घर भी सामने वाला घर भी हमारा ही है और ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और कुछ इस तरीके का सनसेट का व्यू वगैरह पड़ाव का, तो मैं आपको छत में जाके दिखाती हूँ अच्छे से पूरा व्यू सनसेट का, कितना अच्छा लगता है शाम को, है जन्नत। तो जैसे मैं आई यहाँ पे दरवाज़ा खुला था, तो मैंने सोचा कोई ना कोई तो होगा ही छत में, तो देखा कि पापा बैठे हुए हैं पहले से, पापा भी यहाँ पर हवा खाने आए हैं छत में। यहाँ पे मतलब हल्की फुल्की हवा चलती ही रहती है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा। और यहाँ पे ये हनी भैया कर रहे हैं पानी वेस्ट मतलब इन्हें फूल वगैरह में पानी दिया, क्योंकि आज सुबह पानी नहीं आया था, और आजकल पेड़ पौधों को पानी देना तो ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो भी सूख जा रहे हैं, इतनी धूप हो रही दिन भर, तो इनने पेड़ पौधों को पानी दिया। उसके बाद ये दीवार बिगाड़ रहे हैं शायद, या साफ़ कर रहे हैं। तो मैं इनसे कह रही थी, गप्पे मारी थी, कैसी रही आपकी पंजाब के ट्रिप, ये लोग गए हुए थे पंजाब 3-4 दिन के लिए। और यहाँ पे फिर मैं आगे उनसे गप्पे मार कर इधर को, तो यहाँ पे देखा बच्चे बजा रहे हैं डिश टीवी, तो मैं इनसे कह रही थी ज़ोर से बजाओ, ज़ोर से यहाँ तक आवाज़ आएगी। तो ये एक बार मुझे देखे, अरे रूही तो इनमें से बड़ी है, रूही को तो समझ आ रहा था, तो रूही और ज़ोर से बजाने लग गई। फिर यहाँ से आज मैं देख रही थी यार, पहाड़ भी ना कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला से देख रहा है, जैसे मौसम ख़राब सा होगा पहाड़ साइड। नहीं तो और टाइम जैसे बारिश के टाइम या ठंडियों के टाइम इतना क्लियर दिखता है, अगर पहाड़ में धूप आई रहती है बहुत साफ दिखता है। और मम्मी गई है वो मंदिर वाले घर में, वो भी हमारा ही घर है, वो छोटे दादाजी का घर है, तो वो मंदिर भी हमारे घर का ही है, मतलब हमारे ही इष्ट देव का है, देवी का है। और मम्मी गई हुई है वहाँ पर गुन्नू को लेकर, उसे झड़ाना था, छोटी दादी उसे झाड़ देंगी तब। और कुछ इस तरीके का है हरा भरा नज़ारा गौरापड़ाव का, सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यार, कमेंट करके बताना सनसेट किसको किसको प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सामने जो बिल्डिंग है ये है डुबेर, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मंदिर जाने का सीक्रेट रास्ता, जहाँ से हम आयरन मंदिर जाते रहते हैं, आयरन इन द सेंस जब भी हमें जाना था तो हम ज़्यादातर यही शॉर्टकट से जाते हैं। और यहाँ पर है रेल पटरी, तो इंजन साइड रेल पटरी पर चल रहा है, जोर से हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, और मम्मी आएगी, ये है हमारा सीक्रेट रास्ता इस रास्ते पे। यार मैं ना बहुत रेयरली जाती हूँ बेबी को लेके इस रास्ते से, मुझे इस रास्ते में उतना चलना नहीं आता है। और क्या कहते हैं, जब भी हम जाते हैं ना मंदिर, तो या तो मम्मी पकड़ती है बेबी को या दादी पकड़ती है, क्योंकि दादी और मम्मी को बहुत अच्छे से आता है इस रास्ते में चलना, मैं तो बहुत रेयरली चलती हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ तो मैं अपने हाथ में कुछ नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि या तो मैं गिर जाऊँगी या सामान गिर जाएगा, तो मैं कुछ नहीं पकड़ती हूँ। और मम्मी आएगी यहाँ पे से, यहाँ पे हमारा छोटा वाला गेट पास पड़ता है इसलिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला आ गए आप, मम्मी सीधे ऊपर देख रही है, फिर कह रही है तेरा मन नहीं लग रहा, मैंने कहीं लाडू रानी गिरना, मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत, घर में कोई है ही नहीं, दिव्या का पेपर है, दिव्या पढ़ रही है, देवर जी लेटे थे, अब शायद उड़ गए होंगे, फिर वो नीचे ओरियो के पास चले जाते हैं खेलने तोड़ते, उसको खिलाने हैं, उसको खोल लेते हैं, उसको देखते हैं। फिर रोमन स्ट्रीट लाइट थी वो सब जलने स्टार्ट हो गई, क्योंकि हल्का हल्का शेडो ब्लैक हो गया है, वैसे तो अभी तो जाला लग रहा है, बट जो स्ट्रीट लाइट है वो सब जल चुकी है। घूम रही हूँ अपनी छत में कुछ इस तरीके से, देखो सनसेट बहुत ही प्यारा लगते हुए। और यहाँ पर पापा भी मेरे से हवा खा रहे हैं छत में, वो है पापा। अब चली गई ट्रेन गाइस, वीडियो है दूसरे दिन का, और मैं अभी जस्ट बना के आई हूँ ब्रेकफास्ट, और इतनी गर्मी हो रही है लिटरली क्या बताऊँ, अब तो हद ही हो गई है गर्मी से, बहुत परेशान हो गया, मेरा सर दर्द हो गया है। तो यार खाना बनाते बनाते भी ना ऐसा हो जाएगा कि भाई
एक बार नहा के आ जाओ फिर बना लो खाना, एक बार नहा के आ जाओ। रिकॉर्ड हल्द्वानी में तो बारिश का नाम ही नहीं है, मतलब मार्केट साइड तो हो रही है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। आज तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और मेरी लाड़ू भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, तो दादी इसको घुमा रही थी और ये देख रही थी टीवी, तो यहाँ पे मैं इसको बुला रही थी तो ये देख रही थी मुझे और यहाँ पर चलाया टीवी। उसके बाद मम्मी ने इसको नहला दिया था, मालिश वालिश कर ली थी इसकी, मम्मी इसकी मालिश चार बार करती है, एक बार नहलाने से पहले, फिर नहलाने के बाद आफ्टरनून टाइम में और एक इवनिंग टाइम में। अगर इसकी मालिश नहीं करो तो इससे मतलब ये थोड़ी उस दिन चिड़चिड़ी हो जाती है। और आज मैं इससे सुबह सुबह मच्छर ने इसके मुँह पर काट दिया, दो मच्छरों ने, दो ने गाल में काटा, एक ने आँख में काटा अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि आज सुबह वोल्टेज पर डाउन थी और पंखा भी नहीं चल रहा था, तो हमने इसको नेट मॉस्किटो नेट के अंदर भी नहीं रखा था कि सुबह हो गई थी, फिर पता नहीं कहाँ से आ गए मच्छर और मच्छर ने इसको ही काट दिया। तो ये है मेरा बेबी का टॉय, ये है ऑरेंज एलिफेंट, इसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, ये तो सॉफ्ट टॉय है तो ये, मगर इसके हाथ में नहीं आता है, बस आजकल ये वॉइस सुनती है और खेलती है। तो ये लेटी हुई थी अपने चाचू के साथ, अपने चाची की पिटाई कर रही थी, अपने चाचू हमारी थी, और उसके चाचू ने फिर इसको सुला, अभी नहाया ना इसने जस्ट, तो कूलर के हवा बहुत तेज आ रही थी तो हमने इसे नीचे सुला लिया।